वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोग वीडियो को स्किप करोगे तो यार आप लोग भी जाकर किसी को हेट दोगे एंड आप लोगों को भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को यार पूरा देखना एंड स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम बात करें कल के स्पेस से रिलेटेड। तो बेसिकली हमारे को कल गोल्डी भाई एंड स्काउट जो है वो एक स्पेस में देखने को मिले थे। एंड आप लोगों को भी पता ही है काफ़ी टाइम से हमारे को TX एंड सोल के फैंस के बीच में जो फाइट है वो देखने को मिल रही है। एंड उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए गोल्डी भाई एंड स्काउट जो है वो स्पेस में गए थे, जहाँ पे वो सारे डाउट्स वगैरह ले रहे थे एंड वहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे थे कि क्या चीज़ हुई थी एंड क्या चीज़ नहीं हुई थी। तो जो भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्होंने वो क्लियर करी। एंड बेसिकली ये जो स्पेस था वो कुछ 3 घंटे का था, बट हमारे को एक इंसिडेंट होता हुआ दिखाई देता है 2 घंटे के बाद। तो बेसिकली होता ऐसा है कि एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है FC के हिटर एंड वो एक कम्युनिटी रन कर रहे होते हैं जहाँ पे 3 to 4K मेंबर्स होते हैं। एंड इस 2 घंटे की स्पेस कंप्लीट होने के बाद वो एक समरी डाल देते हैं उस स्पेस की, जहाँ पे वो बेसिकली सोल एंड TX के जो फैन है उनको पेट बोल देते हैं। एंड वहाँ पे वो ये चीज़ बोलते हैं कि ये जो ओनर्स हैं वो अपने जो भी फैंस वगैरह हैं उनको पेट की तरह ट्रीट करते हैं। एंड वहाँ पे वो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे हैं, सिर्फ अपने ऑर्डर दे रहे हैं एंड काफ़ी चीज़ें और भी वो बोल देते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड जो गोल्डी भाई हैं वो स्पेस में बात करते हैं कि एक अकाउंट है उसने समरी डाल दिया लेकिन अभी तक जो स्पेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद जो वो अकाउंट होता है FC के हेटर का वो भी हमारे को लिसनर सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो उनको भी स्पीकर का रोल दिया जाता है, उनको बोलने दिया जाता है। तो वहाँ पे बोलते हुए वो हमारे को स्काउट एंड गोल्डी भाई के साथ डिस्कस करते हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट जो है वो हीटअप हो जाती है। एंड इसके बाद जो स्काउट है एंड साथ में वो वाला अकाउंट था उनकी जो है अब्यूज स्टार्ट हो जाती है। एंड बेसिकली वहाँ पे एक वर्बल अब्यूज चल जाती है एंड इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी लोग जो है वो ऑफेंड भी हो जाते हैं। एंड उनके बाद उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। एंड गोल्डी भाई जो है वो इससे रिलेटेड बात करते हैं कि यार अभी तो स्पेस भी खत्म नहीं हुआ था एंड साथ में उन्होंने किसी और के बारे में बात भी नहीं करी है एंड फिर भी जो बंदा है वो समरी डाल रहा है एंड वो भी गलत बात कर रहा है जो भी है उनकी टीम से एंड उनके फैंस के अगेंस्ट में। तो इस पर जो गोल्डी भाई है उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला पहले वो आप लोग देख सकते हैं। बोलेगा तू हमारे फैंस को कुत्ता बोलेगा, मुझे मत दियो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ने दे, रुक जा, खुद ही उड़ाएगा इज्जत की। तू धज्जियां उड़ाएगा, तू धज्जियां उड़ाएगा इज्जत की। हाँ अरे वो चूतिया सुन, इज्जत की रंजी उड़ाएगा। अरे बात नहीं, मेन है बात कर रही, तो एक बार ढंग से बात कर। एक तो पहली चीज सुन ले, पहली चीज तुझे आज तक कुछ बोला नहीं है किसी को, ठीक है? आराम से बात कर, आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है? किसी के बारे में कुछ बोला नहीं आज तक, जाके हिस्ट्री निकाल ले मेरी, ठीक है? तमीज से रहता हूँ मैं, तमीज से रहता हूँ। बुड्ढे पागल क्यों रहे, तो बता। वही तो बोल रहा है, बुड्ढे अपने बाप को ही बुड्ढा बोलता है। सुन, सांस ले, बाप को ही बुड्ढा बोलता है। और ये जो स्काउट चुप रहे, एक मिनट चुप रहे, चुप रहे, एक सेकंड। हेलो फकीटर्स भाई, आपका नाम क्या है? बोलो नाम बताओ। मेरा नाम क्या करोगे जान के सब लोग, ये तो बताओ मेरे अगेंस्ट, बताओ ना मैंने क्या किया है। और तुम ये रोज मैनिपुलेट मैनिपुलेट क्या कर रहे हो? व्हाट यू डू इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, व्हाट आई डोंट, व्हाट आई डू इज रन अ कम्युनिटी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अरे बोलने दे उनको, बोलने दे, एक बार बोल ले, इसको म्यूट दे दे, चुप रहना, एक मिनट रुक, म्यूट दे दे उसको, एक मिनट रुक भाई। तुमने लिखा ओनर स्ट्रीट देयर क्या फैंस एट सर्वेंट्स डॉग्स। तो जब मेरे बारे में when you are talking about shit about me, what I will write, वही लिखूंगा। ब्रदर मेरी बात सुनो, आपका ये मैसेज पढ़ने के बाद आपके बारे में बात शुरू, उससे पहले तो आपका कहीं मेंशन ही नहीं हुआ था। जो मेरे बारे में बोला गया है, that's why I wrote it, because someone told me they are talking about you, that's why I wrote it, I was not part of this space। ब्रदर अभी आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं, ब्रदर बड़े भाई बोल के बात कर रहा हूँ ना। ये मैनेजमेंट का बात, आप कमेंट सेकंड रुक जा, अभी अभी इसको मैं देख, इसके मुंह से निकलवाता हूं।
ओके आपने बोला, आपने बोला व्हाट स्काउट डिड, व्हाट स्काउट डिड, व्हाट अस डिड. हम तो बहुत गंदे लोग हैं. हाँ. आप तो बहुत पीसफुल, बहुत अच्छी कम्युनिटी हो ना. बिल्कुल राइट है ना. yeah. मतलब यू गाइस व्हाट आई टाइ नो 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 फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी इज रन बाय 3000 कम्युनिटी हैज 3000 मेंबर्स. आई डोंट मॉनिटर एवरीथिंग. ओ ब्रदर लिसन टू मी ना. Okay. You said owners, ये तो 22 मिनट पहले आपका मैटर, उससे पहले तो इस स्पेस स्टेशन में आपको कोई ना जानता था, ना कोई आपके बारे में डिस्कशन हुई, ना इस पूरे स्पेस स्टेशन में गॉडलाइक के फैंस के बारे में कोई डिस्कशन हुई, नाम भी नहीं लिया किसी ने गॉडलाइक का. आपने एक स्पेस समरी डाली है अपने उस ग्रुप में 3000 लोगों के. ओनर ट्रीट्स फैंस एज सर्वेंट स्लैश डॉग, वन साइडेड ऑर्डर स्लैश नो क्वेश्चनिंग अलाउड, एंड पेट्स आर ओनली अलाउड टू लिक देयर एस, डिक राइड देम. And manipulation agenda to unite these pets, and in the end blame it on godlike fans. अच्छा मुझे इस बात का जवाब देना आप. Okay. सर आप मेरे को बात का जवाब देना कि ये आपने 22 मिनट पहले क्या कंटेक्स्ट में वहाँ पे डाला आपने उसमें, क्योंकि okay. ना तो देखो हाँ. ना तो godlike के फैंस के बारे में कोई बात हुई. okay. ठीक है ना हमने कोई agenda तो find a clip if I send a clip of a yeah. godlike fans name या फिर कोई भी दूसरे न, न, जैसे मैंने बोला ना कि ओनर्स हाँ. तो वैसे ओनर्स वैसे अगर इफ आई सेंड अ क्लिप जहां पे ऐसा बोला जा रहा है द रेफरेंस इज अबाउट अदर फैंस. ठीक है रेफरेंस इज अबाउट अदर फैंस तो दैट मींस अदर फैंस अबाउट लाइक फैंस. ठीक है वैसा क्लिप मैं रिप्रेजेंट कर दूं स्पेस चल रही है, स्पेस खत्म नहीं हुआ है. द समरी इज गिवन आफ्टर द एंड ऑफ द स्पेस. ठीक है द वे यू आर टॉकिंग आई एम रिस्पोंडिंग द सेम वे. Listen, huh. you are a hate-mongering bloody 38-year-old okay. guy. No, no, you are also listen, the same. You are listen, also the listen. Same. Aray, tu, as an owner, you should learn to behave in public. First of all. I'll meet you in front of you, so I'll show you what I am. जिसको मिल गए 20-18 साल के बच्चे कंट्रोल कर, 20-18 सारे वही तो बोल रहा हूँ, 20-18 साल के बच्चे है ना जिनको ये धमकी दे दो सब लोग. ठीक है इन्फ्लुएंसर हो ना, 4000 लोगों के सामने ऑन स्ट्रीम, 10000 लोगों के सामने ऑन स्ट्रीम, व्हाट यू डू सब, तुझे क्या लगता है मेरे पास नहीं है क्या सारी चीज है. जो करना है कर ना, मैं तो करूंगा क्या, कभी मैं तेरी मारूंगा, मैं तेरी गान मारूंगा. तमीज से पहले तमीज में आजा, बिल्कुल फिर से तू शुरू कर ना, तो मैं बदतमीजी से मेरी नहीं देखी है, मैं भी सेम लैंग्वेज में जा सकता हूं. अरे अरे बिंदास जा, अबे सुन बिंदास जा, लाइफ में फेल्ड इंसान बिंदास जा, अपने मां-बाप को लौड़े जाके संभाल ले माचोर. ठीक है सुन सुन, जो मारूंगा सुन सुन, शादी शुदा आदमी को बोलूंगा, बच्चे बच्चे है कि नहीं है, तू कुछ नहीं मार पाएगा समझा, ऐसे ही बच्चों को डरा जाके मुझे मत बोल. सुन सुन देखो एक ओपन इनविटेशन देता हूं, सुन ये इंडिया में कहीं भी हो. अरे स्काउट रुकना, ये जो तेरे 10 लौंडे पहले जेल में है ना, पहले उनको छुड़वा लेला उड़े. अरे मुझे अरे नहीं छुड़ाना, वो मेरे लौंडे नहीं है, तेरे लौंडे होंगे तभी तू जेल में सकी है. ठीक है समझा, चल डेमन कौन है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, ये ओनर्स की लैंग्वेज और इन्फ्लुएंसर की लैंग्वेज है. मैं बात पर कर पाऊं तो लैंग्वेज पे आ जाओ. चलो सुनो, रुको 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 रुको, तो भाई मेरे को पर्सनली बोल दे कहां आके मिलना, मैं मिलना चाहूंगा. स्काउट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक बात बता, ये तेरा स्टैंडर्ड या लेवल है क्या ये सब तू बोल रहा है जो. अरे पर गोल्डी भाई इस बंदे को इसकी ऑडासिटी देखो. अरे ऑडासिटी गाइस, मैं पूरी स्पेस कम्युनिटी को, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में जहां जहां ये क्लिप जाएगी मैं समराइज करता हूँ हुआ क्या. हम लोग एक स्पेस सेशन कंडक्ट कर रहे थे जिसमें स्काउट और मैं सोल और TX फैन की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर रहे थे और आगे का फ्यूचर कैसे चलाना है हमारी कम्युनिटीज का, हमारे फैन बेसिस का, उसको लेके बातें एड्रेस कर रहे थे. ये भोसड़ी का 3000 लोगों की कम्युनिटी चलाता है जहां पे ये एक मैसेज डालता है, मैं दिखाता हूँ वो मैसेज का है.
कहाँ गया, हाँ वहां पे मैसेज डालता है स्पेस समरी, जो कि हमारे स्पेस की समरी है, उसकी ये समरी बोलता है ओनर ट्रीट्स देयर फैंस एज सर्वेंट्स डॉग्स। पहली बात तो ये अपने फैंस को खुश कर रहा है ये बोल के, अपने वो ग्रुप के लोगों को। वन साइडेड ऑर्डर्स, नो क्वेश्चनिंग अलाउड, जबकि यहाँ पे सबसे सिर्फ क्वेश्चनिंग ही हो रही है। एंड पेट्स आर ओनली अलाउड टू लिक देयर एस डिक्राइड देम, मतलब ये बोल रहा है कि हमारे फैंस जो है हमारी चटाई करते हैं और डिक्राइड तुम समझते ही हो। मैनिपुलेशन एजेंडा टू यूनाइट दीज पेट्स, मतलब हम लोग ये स्पेस इसलिए लाए हैं कि इन पेट्स को एक करने के लिए। पहली बात तो भोसड़ी का बुढ़े पेट्स नहीं होते, पेट्स नहीं होते तुम्हारे, तुम सौ चटाई करते हो ना जब जाके वहाँ पे, जो तुम्हारा क्रॉन्टन ही बोलता है कौन है ये मादरचोद, तो उसको चटाई नहीं बोलते। हम इज्जत से बात करते हैं हमारे फैंस को बराबर रखने के लिए, यूनाइट करने के लिए, तो उसके तू बीच में नहीं आएगा। और ये बोलता है कि अगर हमने क्लिप निकाल के दे दी तो, यार मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, ये भोसड़ी का क्या क्लिप निकालेगा, पूरे स्पेस स्टेशन में गॉडलाइक का नाम भी नहीं लिया। ये साला हरामी ऐसा है जो कि, ये ऐसे लोग हैं जो गॉडलाइक और सोल फैन और टीएक्स फैन में कभी लफड़ा खत्म होने नहीं देंगे लाइफ लॉन्ग। ये फ्रस्ट्रेटेड 30-40 साल का बुड्ढा है, इस पे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लोन लोन चढ़ाओगा इसके ऊपर मोटा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ क्या है, ये एडिक्ट होगा किसी ना किसी प्रॉब्लम का 100%, या तो ये अल्कोहलिज्म में होगा या किसी और चीज में होगा। ये लाइफ से अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ बच्चों के बीच में आके निकालता है। ये जिस तरीके से आया है अग्रेसिव मोड में, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, इसको मैं जो जिस जिस कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी चला रहा है वहां तो इस पे कोई मूदता नहीं। ये घातक भाई का नाम ले रहा था, घातक को अगर बुला दूंगा ना अभी, इसको रैप्टे रैप्टे मारेगा मुंह पे, रैप्टे गोल्डी वैसी गांड फाड़ देगा वो जिस तरह से हरकत करता। और ये बोलता है कि हम लोग जो है स्काउट कर मैनिपुलेट कर रहे हैं। अरे भाई मैं जो कोई मतलब 15 साल के बच्चे हैं क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के, मतलब हम लोग अपने फैंस के बीच में आपस में बोल रहे हैं कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करो और आगे बढ़ो, तो ये उनको कुत्ता बुला रहा है, उनको पेट्स बुला रहा है, उनको वो बोल रहा है, इससे अपना असली नाम तो बताया नहीं गया। यार गोल्डी भाई मेरे को एक सिंपल से आंसर बताओ, इन जनरल गोल्डी भाई भी छोड़ो, बाकी सब जो लोग है इधर, तुम लोग इधर तब स्टार्टिंग से स्पेस जब मैंने स्टार्ट करवाया, एक मेरे को बात बताओ, बाकी लोग हम लोग स्टार्टिंग से क्या टॉपिक क्या थे, सोल और टीएक्स के बीच में आपस ही लड़ाई मत करो, राइट? हम उसी टॉपिक से स्टार्ट किए, क्या हमने किसी को भी इन्वॉल्व किया इधर? गाइस आप लोग बताओ। नो, नहीं किसी को इन्वॉल्व नहीं, 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 नहीं। हम लोग घर की बातें कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब इसमें ये भाई क्या है कि भाई देखो कि हमें बोला जा रहा है ये वो, मेरे को बता ये कौन होता है कि हमारे बीच के बात के इसमें हमें आके बोलना? एक सिंपल सी बात है, हमने इनको इन्वॉल्व नहीं किया, हमने इसके ग्रुप को नहीं बोला, हमने इसके फैन बेस को नहीं बोला। पहली बात तो ये किसी का फैन बेस का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि अगर ये फैन बेस का हिस्सा हो, जैसे हम लोग आके आप लोग से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे, आप लोग ही हो जो हम लोग है, सिंपल है, आप लोग नहीं तो हम लोग नहीं होते, तो आप लोग के चलते हम लोग ये स्पेस पे सब कर रहे हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि इनका मैनेजमेंट का कोई भी बंदा आके इनको सपोर्ट करे या फिर इनको बात करे? नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि ये चूतिया लोग का ग्रुप भी है कोई, क्योंकि ये फैन बेस नहीं है यही। एंड इसके बाद जो रेकनिंग ई स्पोर्ट्स है उनके ओनर ने भी इस चीज के ऊपर रिप्लाई करा, जहाँ पे उन्होंने बताया एक ओनर एंड एक फाउंडर जो है वो अब्यूज कर रहे हैं, डिस्गस्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं स्पेस में, ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, एंड वन ऑफ देम अ फ्यू डेज बैक वॉज प्रीचिंग हिज बिजनेस सेंस, होप ऑल ऑफ देम सॉर्टेड इट इंटरनली। एंड कुछ टाइम पहले एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसने इंडियन ई स्पोर्ट्स को नेगेटिव लाइट में डाल दिया है, तो ये चीजें यार दोबारा नहीं होनी चाहिए। एंड इसका रिप्लाई करते हुए सिड लिखते हैं UPI ID देना, 22 लाख भेजने हैं, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो RGE ओनर है वो दोबारा ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पे वो लिखते हैं कि यार मैटर या कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो लेकिन अब्यूजिव नहीं होना था, एंड अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या फिर हेट स्प्रेड कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दो या फिर उसको किक कर दो, अब्यूजिव लैंग्वेज इज नॉट जज एट ऑल, आई एम स्टिल रिस्पेक्टफुल ऑफ गोल्डी भाई एंड आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट हिम, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद वो हमारे को एक और ट्वीट करते हुए दिखाई दिए, जहां पे उन्होंने ये चीज क्लियर करी, वंस अगेन द ट्वीट आई मेड इन नो वे शोज द सपोर्ट टू FC के हेटर फॉर हिज डीड। तो बेसिकली उन्होंने ये चीज बोली कि जो भी मैंने ट्वीट करे थे वो FC के हेटर के सपोर्ट में नहीं करे थे, उन्होंने बताया कि पास्ट में उन्होंने जो भी करा है वो उनको अच्छे से पता है, लेकिन बस अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी थी, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद हंटर्स की बात करें तो उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि वो गॉड लाइक को ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। कैपे पंक के साथ कब
पंग भाई बताएंगे, मैं बता दूंगा तो पता नहीं कुछ हो जाएगा भाई। गॉड लेक आ जाओ, देखते भाई गॉड एल हंटर होगा कभी, पता नहीं यार होगा शायद आगे। एंड इसके बाद काफी लोग जो रॉबिन है उनसे ये चीज पूछ रहे हैं कि जो गॉड लाइक है उसके अंदर कोई न्यू प्लेयर आ रहा है, तो इस पे भी उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। गॉड लाइक में कोई न्यू प्लेयर आ रहा है क्या? पता नहीं यार, आ रहा है किसकी जगह रखे इधर पता नहीं। एडमिन से जितना बात हुआ वो बोला कि अंडरडॉग है, पंक भाई लेते हैं उसको, खेल रहे हैं ट्राई कर रहे हैं, आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, बस खेल रहा है। एडमिनो ही फेजर है, नहीं अलग है। मैंने उससे पूछा था कि कौन है, फिर हमको लगा जैप है, बट जैप के नाइन में वो तो है नहीं, फिर उसने बोला स्ट्रीम देखो, फिर उसने बोला अंडरडॉग प्लेयर है, बस ऐसे बोला। फिर वही है कि फिर वही है, अभी मैंने फिर वो देखा, वो वीडियो देखी जो उसने बोली अभी देखी, उसमें एडमिनो की आवाज है, केजर एडमिनो ही है बस पता नहीं, वही है मेरे हिसाब से केजर एडमिनो ही है। एंड इसके बाद वो टीएक्स कॉमेडी से रिलेटेड भी बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। कॉमेडी कौन है भाई? देखो मैंने जितना देखा था उसकी जो कैरेक्टर आईडी थी पहले टीएक्स कॉमेडी थी, और वही कैरेक्टर आईडी सोल जोकर की सेकेंडरी आईडी की थी, बस इतना बोलूंगा। अब बाकी पता नहीं कौन है, बट मेरे हिसाब से स्वैप ही है, बेटर है दोनों टीमों के लिए, अगर जो वो चाहते जैसे हमारे इधर हुआ वैसे उधर हो जाएगा, ठीक है फेयर एंड स्क्वेयर है। छुपा रहे होंगे क्योंकि अनाउंसमेंट होगा, क्या पता निंजा का और कुछ नहीं। एंड इसके बाद जो नियो है वो बात करते हैं किसी टीम को कोच करने से रिलेटेड, तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। सिनेरियो देखो, ई-स्पोर्ट सिनेरियो से तो कभी बाहर नहीं जाऊंगा मैं, मेरा तो मन कर रहा है कोई टीम को कोच ही कर दूं, कोच ही कह दे, बताओ कोच ही कह दे यार, कर सकता हूँ यार कोच, क्या बोलते मन तो करता है कोच कर, मुझे लग रहा है कि शायद अगर थोड़ा फटती तो है, हो सकता है डर तो है कि कैसे कोच कर सकता हूँ, कोच कम कह सकते हो कोच, हाँ कोच काइंड ऑफ दांव पे लगा है ये 10 लाख भाई, बट कोच का भी मतलब रोल तो है क्या बोलते। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना।